मालम जब्बा से सिर्फ 5-7 मिनट हाइकिंग करके ऊपर अगर आ जाएं तो बिल्कुल ये नेचुरल प्लेस है। बर्फबारी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिल जाती है क्योंकि बादल ज़्यादा घने हैं और हवा भी तेज़ चल रही होती है। नीचे काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई है देखें, क्योंकि हल्का सा भी अगर पाँव स्लिप हो जाए तो आपके लिए नीचे जाना लाजमी हो जाता है। नक्की है, ये देखें मालम जब्बा में इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है, तो आप देख सकते हैं। बर्फबारी काफी ज्यादा है और जी जी आ गया आ गया आ गया आ गया ओ इधर ही नीचे साथ ही। हाँ जी आ गया आ गया। बीरे के स्टाइल में है,
सांस चढ़ गया पीरे, बोलना भी बंद हो गया, हाथ फ्रीज हो गए, टोपी भी नहीं सर पे पहनी हुई, बर्फ शदीद है, नाक से पानी बह रहा है। ना ना करें ऐसे, ये देखे एकदम सारी काई है। जंप करें इस साइड पे, इस साइड पे जंप करें, बहुत एंजॉय होगा। शुरू हो गया, हो गया, हो गया शुरू, चल पड़ी है। हाँ चले, हाथ लाओ। नहीं ड्रामा ही करते हैं, मुझे पता नहीं यार, मेरे पांव आके में दब गए। इसको नहीं जाता ये कहीं, मैंने पकड़ा हुआ है। किसको नहीं जाता ये कहीं, मैंने पकड़ा हुआ है। शुरू हो गया शुरू, चल पड़ी है। हाँ चले, हाथ लाओ। हाथ ऊपर उठा दे एक दफा ऐसे, साथ भाई इधर मुंह करके ना।